मानवधर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांच्या जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून त्यांच्या चाहत्यांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूरच्या वतीने शोभायात्रेचे नियोजन केले. ही शोभायात्रा 3 एप्रिल रोजी शहराच्या टिमकी रंभाजी रोड नागपूर येथून वर्धमान नगरच्या मानव मंदिर सांस्कृतिक भवन येथे या शोभायात्रेचे समारोप होणार आहे. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूरचे अध्यक्ष राजीव गोपीचंदजी मदनकर, महानत्यागी बाबा जुमदेवजी की 102वी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग इस पत्र परिषद में आए. जी मैडम, ये हर साल शोभा यात्रा 3 अप्रैल को निकाली जाती है जो बाबा का जन्मदिन है. ये बाबा का निवास स्थान है टिमकी, वहाँ से निकल कर शोभा यात्रा वर्धमान नगर सांस्कृतिक भवन है वहाँ पर समापन होता है. 9:30 बजे से 5 बजे तक के वो प्रोग्राम चलता है. 2 बजे से उस रैली परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल में उसका समापन होता है. उसके बाद में चर्चा सत्र यानी सत्संग होता है 4:30 बजे तक, और 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम समाप्त. इसमें 2 लाख के ऊपर में लोगों के आने की संभावना है. महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, ये यहाँ से ये सब सेवकगण भक्तगण आने की संभावना है. संभावना के आते ही है लोग. हलवे सर, अभी कम से कम 53,000 उसके सभासद है, यानी जिसका रजिस्टर के ऊपर में नाम है उनका सेवक नंबर है, और 15 लाख के ऊपर ये गरीब परिवार है जो व्यसन मुक्ति अंधश्रद्धा से जो जिसको परम पूज्य परमात्मा बाबा के नाम से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने उनको मुक्ति दिलाई है. बहुत से लोग हैं, 10 लाख के ऊपर में लोग है, और पिछले वर्ष 2019 में महानत्यागी बाबा जुमदेव जी का महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया, और 30 सितंबर 2013 को महानत्यागी बाबा जुमदेव जी की डाक टिकट का भी विमोचन केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन्होंने गोंदिया में किया था उसका विमोचन. ये मेन पुरस्कार बाबा को मिले. अलग का पहनावा नहीं है, सादा सादी वेशभूषा है, सादे रहने उच्च विचार के हिसाब से सादा कोई वेशभूषा नहीं रही. इस प्रोग्राम के लिए क्या? इस माध्यम से आह्वान करूँगा कि देश से व्यसन मुक्ति यानी दारूबंदी, गुटखा और भ्रूण हत्या है, महिलाओं को होने वाले जो अत्याचार है वो सब कम हो इस प्रोग्राम के माध्यम से. इसमें सावजी समाज ये काफ़ी सुधरा हुआ. सावजी समाज की देन है, बिल्कुल मान्य है, लेकिन बाबा ने सावजी समाज को नहीं, हर ही समाज को, हर जाति के लोगों को इसको प्रोत्साहन दिया है, और सभी जाति के लोग इस धर्म के अंदर में है, इस मानव धर्म के अंदर में है. नागपूरच्या कोणाकोपऱ्यातून निघणाऱ्या बाबा जुमदेवजी यांच्या पालखी यात्रा या शोभायात्रेत सामील होणार आहे. तर ठिकठिकाणी भक्तांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे. 450 स्वयंसेवक रस्त्यावरील करचा संकलन करण्यासाठी तत्पर असणार आहे. रविवारी या शोभायात्रेबद्दल माहिती देण्यासाठी पत्रकार भवन येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.